गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये हमारे होटल की बालकनी का व्यू है, कुछ ऐसा सा थाईलैंड दिखता है यहाँ से। तो भाई आज हम लोगों ने जाना है थाईलैंड इमिग्रेशन, वहाँ से जाके हमें री एंट्री का वीज़ा लेना है, क्योंकि हम लोग का प्लान बन रहा है कि हम लोग यहाँ से कंबोडिया जाएंगे और मे बी वियतनाम जाएँ, तो वहाँ से फिर वापस हम लोग जो है वो थाईलैंड आएंगे। तो उसके लिए री एंट्री वीज़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बगैर री एंट्री वीज़ा के चले गए तो थाईलैंड का कानून ऐसा है कि हम लोग अगर थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तो वापसी के लिए हमें दोबारा या तो री एंट्री वीज़ा चाहिए या फिर हमें जो है वो दोबारा से वीज़ा चाहिए। तो इसलिए आज हम जाएंगे, आज जाके हम लोग री एंट्री वीज़ा जो है वो उसकी स्टैम्प लगती है, वीज़ा एक तरह का वीज़ा ही कहलाता है वो, तो वो स्टैम्प लगवाएंगे। स्टैम्प लगवाने के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह कल दोपहर को या परसों दोपहर को हम लोग का प्रोग्राम है कि हम लोग यहाँ से कंबोडिया के लिए निकलेंगे, और अगर री एंट्री वीज़ा जो है वो हमारा लगा तो, वरना तो हम लोग का प्लान कुछ और होगा। तो चलें आज मैं आपको बताता हूँ री एंट्री वीज़ा कैसा लगता है यहाँ पर थाईलैंड के अंदर और कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो लेट्स गो, अभी नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी हमने करना है, तो देखते हैं पहले नाश्ता क्या करेंगे और फिर हम लोग चलते हैं सीधा थाईलैंड इमिग्रेशन। सो भाई मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ, हमारा रूम कैसा है। यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ कार्ड लगाएंगे, ये रहा आपका भाई, यहाँ हमारा सामान है, इस तरफ है हमारा मास्टर बेड, इस तरफ है टीवी, यहाँ पे इन लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है जो कुछ चाहिए वो, और सामने ही हमारे फ्रिज है, यहाँ पे हम लोगों ने पानी की बोतलें रखी हुई थी वो हम पी चुके हैं। ये है डेस्क, यहाँ पर आप बैठ के वीडियो एडिट करें, खाना खाएं, जो करना है वो करें, इसमें आप चाय बनाते हैं और यहाँ पे बैठ के भी आप रेस्ट करें, बातें करें, और कुछ इस तरह का हमारा रूम लगता है। और ये है स्पेशल जगह, यस, इसी के तो पैसे हैं। ये हमारे रूम की है बालकनी की साइड, ये देखें, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, और रात को ये सब ये सामने जितना आपको नज़र आ रहा है ये सब लाइटें चल रही थी, इतना ज़बरदस्त व्यू दे रहा था, मैं तकरीबन आधे घंटे तक खड़ा रहा। तो ये था हमारा छोटा सा रूम टूर, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके करेंगे हम नाश्ता, तो मिलता हूँ आपको बाहर। इंग्लिश नहीं आती है। पिन ओके क्या समझ नहीं आ रहा, बस वो भी इशारे में समझ नहीं। ये मिली हमारे को 50 वाट की और 200 वाट के, इसमें जो है वो डेटा मिला, पर जीबी पता नहीं कितने, तो पूरी वो हर बार यही बोलता है कि अनलिमिटेड डेटा, पर अभी चेक करेंगे कि अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती है और हमें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो अब हम लोग जो है वो मैप डाउनलोड करेंगे और ट्रांसलेटर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर किसी से पूछेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, हम लोगों को कोई ट्रांसलेटर नहीं मिला किसी से, टूटी फूटी जो है ना वो इंग्लिश समझ आ रही है किसी को नहीं आ रही। इसलिए डेटा सिम ये है कि हम लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, और हमने गाड़ी वाड़ी ग्रैब वगैरह बुक करानी है तो वो भी बुक करा सकें। अभी हम लोग जा रहे थे थाई इमिग्रेशन ऑफिस, जगह सीन करवाना है, तो इसलिए हम लोग अभी सिम लेके इसमें डाटा ऑन करेंगे, डाटा ऑन करने के बाद फिर चेक करते हैं कि आगे सीन क्या होगा, क्योंकि नाश्ता अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, नाश्ता अभी हम लोगों ने करना है, तो अब शायद थोड़ा आसान हो जाए क्योंकि अब हमारे पास सिम है। इसने लिया है अपने लिए शॉर्ट, मैंने भी शॉर्ट ले लिया, मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ, एक मैं ले चुका हूँ, 100 बात का पड़ा है। इस तरह का फॉर्म लेना होगा यहाँ से, तो री एंट्री परमिट के लिए ये लिखा हुआ यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर री एंट्री परमिट टू रिटर्न इनटू द किंगडम, इस तरह का फॉर्म आएगा, वो आपने फिल करना है, सब इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मैंने दी हुई अपनी वो आपने देनी है, और उसके बाद पासपोर्ट लगेगा, आपके पासपोर्ट की एक कॉपी होगी, वीजे की कॉपी चाहिए और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, और बस ये चीज़ें आपने इनको जमा करानी है यहाँ पर, और फिर ये आपको हाथों हाथ जो है वो दे देंगे री एंट्री परमिट।
वॉशिंग एरिया और हम लोग आए हैं यहाँ पर कपड़े वॉश करने के लिए। अब मुझे यहाँ डालना है दानिश उस्ताद के यहाँ चल रहा है और सलीम के कपड़े यहाँ धुल रहे हैं। कपड़े क्या दो शर्टें डाली हैं हमने, तीन शर्टें डाली हैं। अब जाएंगे सब एक साथ डाल दिया ना। हाँ डाल देंगे तो फिर पड़ता है। सफ़ेद वाला उसके साथ डाल दिया किसके साथ? नहीं उसको कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे जो वॉशेबल थे वो हमने धो लिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने थाईलैंड और दुबई के अंदर जो कपड़े यूज किए थे वो वाले मलेशिया और दुबई के अंदर जो कपड़े हमने यूज किए थे वो यहाँ पर आके हमने धो लिए। हम लोग दुबई में भी करने वाले थे लेकिन दो तीन जो थे वो उन्होंने यूज़ किए थे कपड़े। और अब हम जाने वाले हैं यहाँ से इंशाल्लाह अज़रबैजान एंड तुर्की। तो बस तो अभी ये कपड़े यहाँ से धुल जाएंगे तो फिर हम ऊपर ले जाएंगे इसको प्रेस करने के, देखते हैं प्रेस करने का सीन है। प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं, कपड़े तो वैसे पड़े हैं हमारे पास, कपड़े हैं अभी और पहनने के लिए, हमारे यहाँ तकरीबन 10 दिन हैं और, तो ये भी हो जाएंगे, इनको प्रेस करवा लेंगे। प्रेस कराने के बाद हम लोग जो है वो ये वाले भी यूज़ कर लेंगे। आई थिंक ये भी 5-4 मिनट लेगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। सुपरमैन। सुबह के बज रहे हैं 5 और हमें लगी है भूख, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना लेने के लिए। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम 7-11। यहाँ से हमारे को हमारे काम की चीज़ है वो मिल जाएगी।